तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय गार्डन। जैसे कि मैं पहले आपको बताया था इस जो वेजिटेबल बेल के बारे में, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और कैसे इसको हम लगाएंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर ही इसको मैं लगाने वाला हूँ और उसके लिए एक बांस से अच्छा सा भड़ा भी बना देंगे जिससे वो फैल सकेगा और अच्छे से फ्रूटिंग भी कर पाएगा। पहले हम ये जो जगह है उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि इधर आप देख सकते हो यह हमारा टंकी है और इधर नहाना का काम होता है, तो इसके वजह से इधर बहुत सा पानी ठहर जाता है। तो इसके वजह से हमारा जो ये पौधा है वो अच्छे से इधर ग्रो हो पाएगा। तो चलो पहले हम इसको साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया है। अभी हम इसको अच्छे से खोद के मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिट्टी को खोद दिया है। अभी हम ये जो पौधा का ग्रोथ के लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे। वो सीक्रेट फार्मूला बहुत ही आसान है, अभी आपको दिखाता हूँ, रुको। तो जो मैं सीक्रेट फार्मूला की बात कर रहा था वो ये है। तो इसको देने से हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और हेल्थ भी उसका अच्छा रहेगा और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलो इसको पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो ये आप देख सकते हो ये है ताज़ा गोबर। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पानी में घोलेंगे और हमारे मिट्टी में इसको डालेंगे। तो चलो इसको हम बना लेते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको बताया ये आप किसी भी पौधे पे दे सकते हो जिससे उसका जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला चीज़ है कि आप ताज़ा गोबर के बजाय 2-3 दिन पुराने गोबर का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें जो हानिकारक गैस निकलता है उसके वजह से आपका जो पौधा वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन ये जो पौधे के लिए मैं बना रहा हूँ ये दरअसल एक हार्डी प्लांट है। तो यहाँ पे हमारा गोबर का पानी रेडी हो चुका है। तो ये जो हमने मिट्टी खोदा था इसमें अभी हम पौधे को पहले लगाते हैं। तो हमें न्यू पौधा बनाने के लिए यहाँ इधर से ही हम एक बेल को काटेंगे और लगाएंगे। तो मैं इधर से काट रहा हूँ, ये देखो मैंने इतना बड़ा बेल जो काट लिया है। अभी हम इसको पहले एक घेरा बनाएंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे। तो घेरा कैसे बनाता हूँ देखो, इसको इस तरह से जकड़ लेते हैं पहले। और बाकी जो थोड़ा कमजोर वाला हिस्सा है उसको काट के अलग कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हम एक गोल घेरा बनाएंगे जिससे क्या होगा, हमको लगाने में इसको आसानी होगा और पौधा भी जो है अच्छे से ग्रोथ होगा। ये दरअसल हमारा जो पुराना तरीका है, इस तरह से ही हमारे जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं इस तरह से ही लगाते हैं उसको। तो चलो मैं दिखाता हूँ। आप सिंपली इसको छोटे छोटे पीसेस करके भी काट के लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से लगाने से इसका जो जर्मिनेट और जड़ पकड़ने का प्रोसेस है वो थोड़ा तेज हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से गोल करके खड्डा कर लेंगे और फिर इस तरह से हम इसको, ज़्यादा ज़मीन में मत गाड़ना क्योंकि इसमें रूट डेवलप होने के बाद इसमें से ही जो उसका पत्ते जो निकलने लगेगा और उसका न्यू ब्रांच भी आने लगेगा। तो ज़्यादा अगर नीचे हम गाड़ देंगे तो उसको दिक्कत होगा। थोड़ा इस तरह से थोड़ा ही गाड़ना और इस तरह से रख देना है। अब हमारा जो गवर वाला जो हमने बनाया था पानी घोल को, इसको इसके ऊपर सिंपली इस तरह से डाल देना है।
ये जो प्रोसेस है 15 दिन के बाद दोहराना पड़ता है, क्योंकि जब इसमें नया नया रूट लगता है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस तरह से हम 15 दिन के बाद दोहराने से हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें फल भी ढेर सारे लगेंगे। तो इसको अभी इस तरह से ही छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें कुछ ढक सकते हो, मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें ये जो पूरी तरह से ढक जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इधर मुर्गी वुर्गी आ जाते हैं और कीड़े वीड़े जो होते हैं गोबर में उसको खाने के लिए खोद देते हैं। तो हमको क्या करना है कि इधर जो इसको ढकने के लिए कुछ बोरे बोरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखता हूँ, रुको। तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ बिठाया है, ये मेरे पास एक थर्मोकोल का पीस था, उसको इस तरह से रख के ऊपर से मैंने ऊपर से इस तरह से बोरे से हम ढक लेंगे इसको इस तरह से, ताकि हमारा जो बकरियां हैं वो जो न्यू पत्ता आएगा तब उसको खाना ले। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें कितने दिन के बाद उसमें न्यू ब्रांच और न्यू पत्ता आने लगता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कुंदर पौधे के बारे में, मतलब कि उसको कैसे लगाते हैं, उसका लगाने से पहले उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। चलते हैं।